घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। खंडवा के पुलिस कंट्रोल रूम में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। दरअसल आगामी रामनवमी पर्व को देखते हुए यहां रामनवमी से जुड़े सभी आयोजकों को आमंत्रित किया गया। खंडवा के सिटी एसपी पूनम चंद यादव और एसडीएम अरविंद चौहान ने यहां मीटिंग ली। खंडवा के कोतवाली टीआई बलराम सिंह भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस मीटिंग में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। सभी से कहा गया कि रामनवमी के आयोजन में कानून व्यवस्था का विशेष रूप से ध्यान रखें, साथ ही परंपरागत रूप से जो कार्य करते आ रहे हैं वही करें, गैर परंपरागत झांकियां या गैर परंपरागत जो कार्य हैं वो नहीं किए जाएं। पूरे आयोजन में सभी को साथ में लेकर चलना है। इस आयोजन को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जी बताइए, आज किस तरह की बैठक थी, क्या चर्चा हुई है, क्या तैयारियां हैं? आज रामनवमी के शोभा यात्रा को लेकर जनता प्रशासन के साथ बैठना हुआ था। इसमें जो रूट है, रूट के बारे में और कहां कहां से कौन कौन सी शोभा यात्रा कब कब निकलेगी उसके बारे में चर्चा हुई और सकारात्मक चर्चा रही। क्या रहता है हमारे यहाँ रामनवमी पर? हमारे यहाँ लगभग इस वर्ष 18 स्थानों से नगर में शोभा यात्राएं निकलेगी, उस बारे में चर्चा हुई है। और ढोल ढमाकों ना अपने मानक स्तर के वाद्य यंत्रों और ध्वनि स्तरक यंत्रों के साथ पूरा जुलूस निकलेगा। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या स्थिति? इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि समय से निकले और कोई सभी अनुशासन में चले, नाचते गाते सभी चीज़ें अच्छे से चलेंगे। R&K केटरिंग्स एंड इवेंट्स की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि और गणगौर पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। अब हमारे यहाँ हर बजट में और हर पैकेज में परिसर और मैरिज गार्डन उपलब्ध है। सुप परिसर, लक्की गार्डन, बापू गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, होटल पैराडाइज, नर्मदीय धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला।